अच्छा भाई कांग्रेस के दौर में जनरल सी एनपीआर आया, क्या उखाड़ी कांग्रेस? कांग्रेस के दौर में जाए जनरल सी एनपीआर, शाहीन बाग में कौन सा कांग्रेस का घर गया के बेटा धोती बिछा के अपनी बैठा था क्या? नहीं बैठा। कौन है? हमीद बुरखे पहनने को तू गई, मैं गई, बच्चों को लेके क्यों आदमियों को कहीं को आगे करना भाई? पहले हमारे मारो उसके बाद और अपने आप पहुंचो। नहीं तो कांग्रेस के वजूद में ये सब चीजा हो गई, बिल पास हो रहा, घोषणा कर रहा, तो भाई बस हो गया। देखो भाई अब इससे ज्यादा ना मैं बोलती ना, इससे ज्यादा मैं समझूंगी कि ये करूंगी कि हम सब समझदार हैं, कौन भी आंदे हमको जिंदा रहना है, असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे इलियास साहब के साथ मिलके चलना है, सब एकजुट मिलके चलेंगे, चाहे वो दाल रोटी रंधे चाहे खाली पानी पी को जीने का रंधे, हम अपनों के बीच में जीके निकलेंगे। आज मेरे पूरे अपने बैठे दोस्त में इतना भर सक रहा हूँ, तुम्हारे जगह पूरे हिंदुआ रहना था, मेरे को एक सगर में हकाल देते थे यहाँ से बाहर, ए चल निकल यहाँ से, क्या बोल रही बोल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केवीएन यूनिवर्सिटी, न्यूसन फैब्रिक्स क्लोथ स्टोर, सूरत खजाना, चुलबुल लाइटिंग एंड फर्नीचर एंड बाय स्मार्ट सुपर बाजार। ये एक पार्टी नहीं है, ये एक मुसलमान का उरूज हो रहा है एक अंदर से, ये हमारे वजूद जिंदा हो रहा फिर से। क्यों जिंदा हो रहा बोले तो हमारे जो हालात खराब हो रहे हैं, हमको आए दिन उधर मारे जा रहे हैं, हम पीटे जा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, हमारी कोई औकात नहीं रखे ये लोग जो हमारे को आधी रात में भी हमारे को बचाना आको ए क्यों भैया क्यों सता रहे बोल के। ये पूछने वाले कांग्रेस ही नहीं है, पिछले बार भी औरत को चले और औरत भी कैसा भाई, जरा रहना पड़ता सलीका अंदर चार के सामने बात करना। और सियासत ऐसी चीज है एक मर्द आदमी संभाल सकता है इसको, आधी रात में चार जगह झगड़े हो रहे मतलब आके चार को कल्ले पे मार के रखता सीधा, क्या रे साले क्या बोल रहा बोल के समझे आप? तो जो जगह जिसकी जान है उन्होंने वही सही रहते, और जिसकी काबिलियत जैसी है उसको वही बिठाना ले जाके, करेले का मीठा नहीं बनता। इसी तरीके से हमको अब यह कारपोरेशन इलेक्शन में इलियास सेठ को लाना है, और सेठ आज यहाँ बैठे और हम सबको बोल रहे ना, तो ये देखो भाई बात चीजें मिंजानी बल्ला रहती। अल्लाह सुब्हानहू तआला जमीन पे उतर के कभी नहीं आया, लेकिन अल्लाह ने जरिए पैदा किए हैं, हमको उस जरिए को पकड़ के अपने अकल अशरफुल मखलूकात हैं हम लोग, हमको अकल लगाना है। आज हम बैठे हैं, कल फिर यहाँ क्या तो मैं मंच पढ़ के पहुंचते तो भी दूसरे लोग आते ऐसे पुकारते, देखो भाई हम क्या भी लाभ बोल रहे, तुमको क्या सही दिख रहा, तुमको क्या सही समझ में आ रहा जिंदगी जीने के लिए समझे? जनता दल तो उसका नाम एक मतलब वो पार्टी हम भगवान से वो पूरे ढोबे हैं पूरे। अब सामने जो है वो कांग्रेस जो पिछले आई हमारे साहब के नाम पर चली 3 साल और उसमें जो बर्बादी करे वो लोग नॉर्थ को लाके पूरा चंदू पाटिल जाके मिल्लत नगर में बैठे बैठ के बयाना कर रहे हैं वास कर रहे हैं। अभी जो सर बोले चंदू पाटिल के पास जाके ये लोग हाथा जोड़े, क्यों आई तुम्हारे को ये नौबत? क्योंकि तुम एक दूसरे के साथ दिल से गले मिलो, हाँ दाड़िया छोड़ रहे हैं और नमाजा पढ़ रहे हैं डगा डाक, लेकिन अखलाक क्या है बोले तो? अरे मैं कुछ को सलाम करूं उन मेरे को करना, ये बात सही है गलत है? गलत है। तुम खुद से सलाम कीजिए उसको, उन नहीं कर रहा उन भटक गया तो तुम तो नहीं भटके ना। अगवा हमको धोखा दे रहे, कौम को बेखूब बना रहे, खाली इलेक्शन के टाइम आके बस हम तुम्हारे साथ हैं, पैसा देते हमदर्दी जताते, नहीं तो देखो बीजेपी आती हम वोट नहीं दिए तो बीजेपी से डरा के वोट लेते हैं हमारे से। अब हम नहीं डरेंगे, हम हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास हम गुलबर्गा की सीट हम जरूर जीतेंगे इंशाल्लाह, कारपोरेटर भी जीतेंगे और एमएलए भी जीतेंगे। क्या हम लोग अलन से जीत सकते? क्या हम लोग अफजलपुर से जीत सकते? क्या हम लोग सेलम से जीत सकते? क्या हम चितापुर से जीत सकते? क्या हम जवरगी से जीत सकते? हमारे जीतने की सीट गुलबर्गा नॉर्थ एक ही है, लेकिन इस पर भी इनकी बदनीयती उनकी नापाक जो है ना इनकी निगाहें गिर रही हैं गुलबर्गा नॉर्थ के ऊपर। उसने दोनों कनीस फातिमा को एमएलए बनाया ना, उनको रबर स्टैंप होना था, उनको रबर स्टैंप एमएलए होना, उसने मेरे को टिकट नहीं दिया। उन्होंने इन्हें मुसलमानों की आवाज बन के उठेगा, इन्हें कौम का दर्द है, कौम की हमदर्दी है इसके पास। फिर कमरुल इस्लाम जिंदा होगा अगर इलियास को टिकट दिए तो, वो बड़ी साजिश करके जो है टिकट मैडम को दिए, क्योंकि उनको रबर स्टैंप होना ना, गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलने वाले होना, उन्हें जो बोले सुनने वाले होना, यस बॉस बोलना उनको, यस सर बोलना उनको, ऐसे लोग चाहिए उनको। हम जैसे लोग हिम्मत वाले ताकत वाले बात करने वाले लोग नहीं चाहिए उन्हें। उनको थोड़े पैसे देते हैं लीडरों को, हमारे परसेंटेज देते हैं। अब जितने भी कारपोरेटर हैं कांग्रेस के पूरे कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक तो बताना मेरे को इन्हें कॉन्ट्रैक्टर नहीं है बोल के।
और कारपोरेशन में जो भी ठहर रहे ना उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्टर बनने ठहर रहे, कारपोरेटर बनने नहीं ठहर रहे, याद रखो। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, अब बोल रहा ना मैं मैडम के पास, वही चला हुआ है पूरा। बेचारी मैडम को अल्लाह वाली है, कुछ मालूम नहीं। साथ में ऐसे चालू होशियार लोग बैठे पूरे, बाप रे बाप, अल्लाह रहम करे, पूरा जड़ से खा रहे, पूरा मुंह को मट्टी लगे जैसा पूरा। ये जुल्म खत्म करना है, इनकी रिश्वत बाजारी खत्म करना है, ये करप्शन खत्म करना है। तो मैडम बोले कि नहीं, मैं इस्तखारा की हूँ, मैं इस्तखारा की हूँ कि उसके अंदर जो है ना नहीं बोल के आ रहा, मुझे तैरना नहीं है, और खमरुल इस्लाम की रूह में तकलीफ देना नहीं चाहती। तो ठीक है मैडम, जो है ना आपका ये फैसला है तो जो है ना ठीक है, ये कोई दूसरा जो है ना ऑप्शन है हमारे पास, वो ऑप्शन लेके चलेंगे। इलियास सेठ भी जो है ना चाह रहे कि जो है ना इलेक्शन में ठहरने के लिए, वो ऑप्शन जो है ना दूसरा हमारे पास है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बोल के हम वापस आ गए बेंगलुरु से। जब सेकंड टाइम फिर जो है ना मेरे को बेंगलुरु जाने का मौका मिला, तो मैडम के पास गया, तो उनका पास जो है हमारे लुंजे बैठे हुए हैं पुराने जो है ना माड़ी मेले के, इनके अब्बा भी कारपोर्टर थे, दूसरे खत भी इत्तेफाक हुआ मिलने का, तो उनसे नहीं मिला मैं डायरेक्ट, उनके जो है नौकर से मिला। नौकर को पूछा कि बाबू बहुत पुराना नौकर है उनका, बाबू क्या तो भी है जो ना मैडम का पोजीशन क्या है, क्या क्या करना चाह रहे आगे इलेक्शन में। खान साहब आप एक काम करिए, आप चाहिए गुलबर्गा वापस, मैडम के पास बहुत बड़ा लंच आ चुका है, चरण प्रकाश पाटिल और प्रियंका जी वो आके जो है ना उनको मनवा लिए हैं, वो इस्तखारा वगैरह सब गायब। अब जो है ना आज शाम के डेट में जो है ना इलेक्शन के लिए बाइक देने वाले। तो एक देखिए खमरुल इस्लाम, मेरा बोलने का मतलब ये है, आप बहने मेरी बैठे हुए हैं, माया बैठी हुए हैं, आप अपने हिजाब में हैं, और वो खमरुल इस्लाम जो अपने शरीर के जिंदगी को अपनी हयात में एक नवाब घराने के हैं, उन्होंने वहां भी जो है ना ऐशो आराम की जिंदगी करे, यहाँ खमरुल इस्लाम की जब जिंदगी में आए उन्होंने, उनकी शरीक हयात बनकर जब आए, तो अपनी जिंदगी में कभी उनके नाखून तो छोड़ो, दूर की बात है उनके चप्पल भी किसी जना गैर मर्द ने नहीं देखी। ये चीज जो है ना खूबी थी खमरुल इस्लाम में। कांग्रेस वालों ने खमरुल इस्लाम साहब के साथ बदला लेना था, खमरुल इस्लाम से बदला लेना था, तो क्या करना, तो उनकी जो है ना जिंदगी शरीक जिंदगी को जो है ना टिकट दे दो और पैसे भी दे दो। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVN University, Newson Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by Smart Super Bazaar.